अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका मेज़बान अब्दुल्ला फैज़ान फिर से हाज़िर हूँ एक बहुत ही खास दरगाह शरीफ के व्लॉग के साथ। नादरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं हिंदुस्तान की रियासत गुजरात और गुजरात के सबसे मशहूर शहर सूरत से तकरीबन 40 किलोमीटर की दूरी पर काठुआ नामी एक छोटे से देहात में। नादरीन, यहाँ पर 52 गज नाम से एक मशहूर दरगाह मौजूद है और इस दरगाह में मज़ार 52 गज लंबी है। अब ये मज़ार इतनी लंबी क्यों है कि अल्लाह के वली जो इस मज़ार में आराम फरमा रहे हैं वो 52 गज लंबे थे, या फिर इस मज़ार के 52 गज लंबे होने की कोई और वजह है? तमाम चीज़ें इस वीडियो में हम जानते हैं, साथ ही साथ इस खास दरगाह शरीफ की ज़ियारत भी करते हैं। तो नादरीन, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए और आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और सवाब की नियत से ज़्यादा शेयर भी कर दें और हमारे चैनल रूहानी कायनात व्लॉग को सब्सक्राइब भी कर दें। दोस्तों, ये दरगाह शरीफ बहुत खूबसूरत है और आसपास का माहौल भी बहुत खुशनुमा है। ये जगह पर काफ़ी दुकानें भी हैं, यहाँ पर आपको रहने के लिए होटल्स और खाने पीने की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। दरगाह शरीफ के अंदर मुसाफिर खाना भी बनाया गया है कि अगर आप यहाँ पर रात में रुकना चाहें तो यहाँ पर रात में रुक भी सकते हैं। इस दरगाह में मस्जिद, मदरसा, तमाम सहूलियात भी मौजूद हैं। नादरीन, इस दरगाह के बारे में ठोस मालूमात हमें किसी किताब में नहीं मिल सकी, बस इस दरगाह के बारे में ये मशहूर है कि इस 52 गज लंबी मज़ार में 468 शहदा दफन हैं, जिनकी मज़ारों को मिलाकर इतनी लंबी मज़ार बनाई गई है और इन शहदा के सरदार हज़रत जमालुद्दीन सुरख़-ए-पोस रहमतुल्लाह अलैह हैं, जिनका नाम बोर्ड पर भी लिखा हुआ है। हज़रत सैयद मीर जमालुद्दीन सुरख़-ए-पोस उर्फ़ मखदूम शहीद बाबा रहमतुल्लाह अलैह बुखारा से हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए थे और इसी जगह पर आपके और आपके साथियों की दुश्मनान इस्लाम से जंग हुई और यहीं पर इन तमाम शहदा ने शहादत का जाम नोश फरमाया। वल्लाहु आलम। नादरीन, हज़रत जमालुद्दीन बाबा मखदूम शहीद बाबा के नाम से मशहूर हैं, जो यकीनन अल्लाह के मकबूल महबूब बंदे हैं और यहाँ पर जो भी लोग नेक और जायद मुरादें लेकर आते हैं उनकी मन्नतें मुरादें पूरी हो जाती है। हज़रत के बारे में कहा जाता है कि जो बाहर से सूरत में कारोबार करने के लिए आते हैं और हज़रत की दरगाह पर हाज़री देते हैं तो उनको कारोबार में फ़ायदा ही फ़ायदा होता है, कोई नुकसान नहीं होता। इस दरगाह पर हज़रत मखदूम शहीद बाबा के वसीले से मांगी गई हर दुआ कबूल होती है। जो बे औलाद हैं अल्लाह उन्हें औलाद नसीब फरमाता है, जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार मिलता है, जो बीमार हैं उन्हें शिफा मिलती है हज़रत के सदक़े से। यहाँ के लोग बताते हैं कि ये दरगाह तकरीबन 700 साल पुरानी है। इस दरगाह में और भी मदारे हैं जो हज़रत मखदूम शहीद बाबा के साथियों की बताई जाती है। नादरीन, जब भी आपको सूरत आना हो तो इस दरगाह पर ज़रूर हाज़िरी दें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि हज़रत सैयद मीर जमालुद्दीन सुरख-ए-पोस रहमतुल्लाह अलैह के सदक़े से अल्लाह ताला हम सब की नेक जायज़ तमन्नाएं मुरादें पूरी फरमाए, हम सब के कारोबार में बरकत अता फरमाए, जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिला अता फरमाए, जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमाए, जो भी औलाद हैं उन्हें नेक और साले औलाद अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नादरीन, उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Thank you.
रहा है बारिश अच्छी होने को। Thank you.